हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेडियो चैम। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना IRCTC आई ने आज जो है IPO लॉन्च किया है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये इन्होंने लॉन्च किया, क्या होता है IPO और क्यों आखिर ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें है मतलब किसका 30 सितंबर को जो है IPO लॉन्च हो गया और 3 अक्टूबर तक इसके शेयर्स मार्केट में रहेंगे। IRCTC जो कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने जो है 2 करोड़ यानी 12.5% शेयर IPO के जरिए बेचने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी कंपनी IRCTC, भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी कंपनी है ये, जिन्होंने अपना IPO लॉन्च किया है आज। और ये जो रेलवे टिकट के अलावा क्या करती है, खान मान सेवाओं की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैनेज करती है। पिछले हफ्ते ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर दी और इस कटौती के बाद शेयर मार्केट में तेजी से उछाल दिख रहा है। ऐसे समय में IPO लॉन्च करने की योजना IRCTC की बनाई है और इस मामले से जुड़े जो IRCTC ने प्रस्तावित IPO के जरिए सरकार को 480 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने की उम्मीद भी की है। उम्मीद बताई जा रही है कि इससे प्राइस बैंड की घोषणा बुधवार को होगी और सरकार IPO के जरिए 2 करोड़ रुपए के शेयर बेचना चाहती है, जिसमें कंपनी की 12.5% हिस्सेदारी बेची जा सकती है। ड्राफ्ट रेट हायरिंग प्रॉस्पेक्ट्स के अनुसार IRCTC 4 सेगमेंट में बिजनेस कर रही है, जिसमें इंटरनेट के जरिए टिकट कैटरिंग, इंटरनेट के थ्रू जो ई टिकटिंग होती है वो, कैटरिंग, सीलबंद पानी जो रेल नीर है के नाम से चला रहे हैं काम, और एक यात्रा और पर्यटन। तो ये 4 सेगमेंट में बिजनेस कर रही है जहाँ से इसको बिजनेस होता है। कंपनी की बिक्री 25% की सालाना दर से बढ़कर 1899 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है, जबकि फिस्कल ईयर 2019 में इसका मुनाफा था 23.5% बढ़कर 272.5 करोड़ रुपए पहुंच गया है। फिलहाल IRCTC में रेलवे की पूरी हिस्सेदारी है और IPO लाने से रेलवे अपनी हिस्सेदारी कम कर देगी। अब क्या है IPO, ये बात करते हैं अपन इसके बारे में। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके लिए कंपनियां बकायदा शेयर बाजार में अपने को लिस्टेड करवाकर अपने शेयर निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव लाती है। तो कुछ जैसे कि कोई निवेशक हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना मतलब कि पैसे लगाकर उसमें कुछ हिस्सा वहाँ बाय कर लेते हैं। तो यही होता है IPO की मतलब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अपने आप को मार्केट में रजिस्टर करवाना, जिसका मिनिमम 100 करोड़ के आसपास बिजनेस होता है। वो कंपनियाँ इसमें अपना जो है अपने आप को IPO में लॉन्च करता है, एक तरह से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अपने आप को लिस्टेड करवाते हैं शेयर मार्केट में, और वहाँ पर जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ उनके शेयर्स मतलब कि अपना हिस्सा इसमें खरीद लेते हैं कि 1% 2% शेयर्स के द्वारा। तो कारोबार बढ़ाने या अपने दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए कंपनी कई तरीके से रकम जुटाती है। पहली बार आम लोगों के बीच शेयर उतारने की प्रक्रिया IPO पेशकश कहलाती है। पहली बार अगर आप लोग आम लोगों के बीच शेयर उतारना, लोगों के बीच में एक तरह से प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट, जहाँ पर लोग अपना बिजनेस करते हैं, वहाँ पर अपने शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, इस तरह से। कई बार सरकार विनिवेश की नीति के तहत भी IPO लाती है और ऐसे में किसी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी शेयर के जरिए लोगों को बेची जाती है। IPO की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस IPO क्या होती है, IPO फिक्स प्राइस या बुक बिल्डिंग या दोनों तरीकों से पूरा हो सकता है। फिक्स प्राइस होती है कुछ शेयर्स की, कुछ मतलब कि बुक बिल्डिंग या फिर उसको बुक बिल्डिंग के दो दो तरीके होते हैं IPO की प्रोसेस। फिक्स प्राइस मेथड में जिस कीमत पर शेयर पेश किए जाते हैं वह पहले से तय होती है, और कुछ बिल्ड जो बुक बिल्डिंग में शेयर के लिए कीमत का दायरा तय होता है, जिसे भीतर निवेश को बोली लगानी होती है। प्राइस बैंड यानी कीमत का दायरा तय करने और बोली का काम पूरा करने के लिए बुकर्नर की मदद ली जाती है। बुकर्नर का नाम आमतौर पर निवेश बैंक या सिक्योरिटीज के मामले की विशेषज्ञ कोई कंपनी करती है, यानी को जो एक तरह से कहते हैं कि शेयर्स बेच रही है कोई कंपनी। तो एक तो होता है फिक्स प्राइस, है ना, जो कि फिक्स प्राइस पहले से ही उनकी कीमत तय होती है कि इतने शेयर जो भी शेयर्स हैं
वो आप इतनी कीमत पर कंपनी निकालती है, उनका कोई भी वैसे लेना देना नहीं होता कि यहाँ पर कोई बोली लगाई जाएगी, तो वैसा कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन बुक बिल्डिंग में एक कंपनी रोल प्ले करती है, कोई दूसरी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, फिर कोई दूसरी ही कंपनी वहाँ पर आती है जो कि उसके बोली लगाती है उसके जरिए, ठीक है, कि कितने में शेयर्स खरीदने बेचने जो भी है चीज़ें। कैसे तय होती है इसमें कीमत? तो आईपीओ की कीमत दो तरह से तय होती है, एक तो प्राइस बैंड और दूसरा फिक्स प्राइस इशू। तो प्राइस बैंड ऑफ आईपीओ क्या होता है, ज़्यादातर कंपनियां जिन्हें आईपीओ लाने की इजाज़त है, मतलब कि क्राइटेरिया होता है, ऐसे नहीं हर कोई कंपनीज में वो अपना आईपीओ ला सकती है, ऐसा नहीं है, और उनको एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, अपने शेयरों की कीमत तय कर सकती है, और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ दूसरी क्षेत्रों की कंपनियों को, सेबी और बैंकों को रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होती है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुकर्नर के साथ मिलकर प्राइस बैंड तय करता है, यानी जो बीच में कंपनीज होती हैं उसके जरिए या फिर बैंक के द्वारा। भारत में 20% प्राइस बैंड की इजाज़त है, इसका मतलब ये कि बैंड की अधिकतम सीमा फ्लोर प्राइस से 20% से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर बोली प्राइस बैंड का ये हो गया कि वहाँ पर एक तरह से बोली लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि कितनी भी प्राइस उसकी बोली लग सकती है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइडेड होता है कि 20% सीमा फ्लोर जो होगा, मैक्सिमम 20% आप इसकी प्राइस डिसाइड कर सकते हो, जितनी कीमत है उसकी, उसकी 20% से ज़्यादा ऊपर तक उससे नहीं जा सकती। एक होती है लास्ट प्राइस। बैंड प्राइस तय होने के बाद निवेशक किसी भी कीमत के लिए बोली लगा सकता है, बोली लगाने वाला कट ऑफ बोली भी लगा सकता है। इसका मतलब है कि अंतिम रूप से कोई भी कीमत तय हो उस पर इतने शेयर खरीदेगा। बोली के बाद कंपनी ऐसी कीमत तय करती है जहाँ उसे लगता है कि उसके शेयर सारे शेयर बिक जाएंगे। तो इस तरह से जो है कीमत डिसाइड होती है। और आईपीओ की रकम जो होती है, कैपिटल ऑफ आईपीओ, वो क्या होता है, आईपीओ में जो निवेश इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर की ओर से लगाई गई रकम सीधे कंपनी के पास जाती है। तो जो कैपिटल जनरेट हो रही है कंपनी को, वो क्या होगा, निवेश इन्वेस्टर जो भी पैसा लगा रहे हैं वो सीधा कंपनी के पास जा रहा है। हालांकि विनिवेश के मामले में आईपीओ से हासिल रकम सरकार के पास जाती है। एक बार इन शेयरों की ट्रेडिंग की इजाज़त मिलने के बाद शेयर की खरीद बेच से होने वाला मुनाफा और नुकसान शेयर धारकों को उठाना पड़ता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर मान लीजिए उसकी प्राइस वापस को आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, उसको बेचने के टाइम वो कम प्राइस में बिक रहा है, कंपनी की वैल्यू इतनी है, शेयर्स गिर रहे हैं, उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली उसके शेयर की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी। इस वजह से इन्वेस्टर्स को वहाँ पर नुकसान उठाना होता है। अगर कंपनी आईपीओ से जुड़ी अन्य जरूरी बातें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायस यानी QID के पास कंपनी के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है, जबकि रिटेल बायस कंपनी के बारे में बहुत जानकारी नहीं जुटा पाती, तो ये मतलब कि पूरी जानकारी होने के बाद ही इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, या फिर जो कंपनियां मतलब कि अगर कंपनी आईपीओ से जुड़ी अन्य जरूरी बातें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायस के पास ही कंपनी के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है, लेकिन जो रिटेल मार्केट्स में जो बायस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके पास इतनी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होती है। तो आपने कई मूवीज़ देखी होगी शेयर मार्केट की, तो एक बाजार नाम से भी मूवी है, उसमें अगर आप उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं तो ओब्वियसली आपको वो मूवी, आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखें। वो कम्प्लीटली इस पर डिपेंड मतलब कि बनाई गई है, शेयर मार्केट पे किस तरह से आईपीओ लॉन्च होता है, ये सब कुछ, बहुत सारी मूवीज बनी है इस पर। एक तो इसमें जो है, आज इसका IRCTC ने अपना आईपीओ निकाला और सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम के द्वारा, इस ऑफर के द्वारा कंपनी के 2.01 करोड़ रुपए शेयर यानी 12.6% हिस्सेदारी बेच देगी। इसका मिनिमम बिड साइज 40 शेयरों का होगा, यानी कम से कम 40 शेयरों में निवेश किया जा सकता है। अभी इस कंपनी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है, सरकार की 100% हिस्सेदारी, लेकिन शेयरों की बिक्री के बाद सरकार की हिस्सेदारी घटकर कितनी हो जाएगी, 87.4% ही रह जाएगी। इसकी वैल्यू 10 रुपये की है और फ्लोर प्राइस इसका 13.5 मतलब कि परसेंट, और के प्राइस होगा 32 गुना। इसे IRCTC को 635 से 645 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद बताई जा रही है। IRCTC कंपनी है जो कि रेलवे के बहुत सारे काम, मतलब कि एक तरह से मान सकते हैं कि IRCTC में 100% हिस्सेदारी किसकी थी, सरकार की, लेकिन आईपीओ लॉन्च होने के साथ ही सरकार की हिस्सेदारी घट जाएगी, कितनी रह जाएगी, 87.4%, और बाकी के जो जो परसेंट है मतलब कि जो 12.6% हिस्सेदारी जो होगी वो आईपीओ के द्वारा वो अपनी क्या कर रही है, बेच रही है कंपनियां IRCTC।
इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की और फ्लोर प्राइस इसका 13.5 गुना और के प्राइस इसका 32% गुना होगा। इससे IRCTC को 635 से 645 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। छोटे निवेशकों को भी मिलेगी छूट। IPO के तहत जो शेयर जारी किए जा रहे हैं इसका 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स यानी QIBs को आवंटित होगा, जिसमें से 2 लाख इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड को मिलेंगे। इसी तरह 15% शेयर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI यानी बड़े निवेशकों के लिए होंगे। यानी इसमें सबका ऐसा क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। इस जो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को आवंटित होगा कितना परसेंट? 50%। क्योंकि यहाँ पर क्यों मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स क्या होते हैं? जिनको कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ पर इसका प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ लॉस हो सकता है, तो वो इसी तरह से इसमें पैसे लगाते हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड को आवंटित हैं और इसमें इसी तरह 15% हिस्सेदारी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI यानी बड़े निवेशक, इनको क्या कह सकते हैं अपन? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स होते हैं हाई नेटवर्थ वाले, उनको 15% के लिए इनको इन्होंने अपना क्राइटेरिया डिसाइड किया है। 15% हिस्सेदारी उन लोगों को दी जाएगी। इस तरह छोटे या आम निवेशकों के लिए 35%, मतलब कि कंपनी कहीं पर भी ऐसा नहीं देख रही कि भाई कहीं पर भी नुकसान उठाना पड़े, 50% उन्होंने क्या करा, जो भी शेयर निकाले उसका 50% हिस्सा किसको दे दिया? यानी अब 12.6 है तो 6.3% किसको दे दिया? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन वायस, जिनको पूरी जानकारी IRCTC की होगी और उसमें से और जो बचा हुआ उसमें 15% हाई नेटवर्क यानी बड़े निवेशक, जो कि उनको नुकसान फायदा सब इन्फॉर्मेशन उनको भी एक तरह से वो QIBs में ही आते हैं तो उनको दी गई है। प्लस जो मतलब कि यहाँ पर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो 35% हिस्सा उपलब्ध रहेगा आम लोगों के पास भी। कंपनी ने छोटे निवेशकों और अपने कर्मचारियों को 10 रुपये प्रति, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 65% हिस्सेदारी बड़े इन्वेस्टर्स के लिए हो गया और 35% आम निवेशकों के लिए हो गया। तो कंपनी ने छोटे निवेशकों और अपने कर्मचारियों को 10 रुपये प्रति शेयर की अतिरिक्त छूट देने की भी घोषणा की है। तो रेलवे के कितने कर्मचारियां IRCTC में कितने लोग काम करते हैं उनको भी 10 रुपये प्रति शेयर के भाव से उनको दिए गए हैं। SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लिमिटेड और यस सिक्योरिटीज लिमिटेड इस IPO के लीड मैनेजर होने वाले हैं। तो ये जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके भी जो कंपनीज हैं उनके जो मैनेजर हैं वो IPO के लीड मैनेजर होने वाले हैं। मिनी रत्न कंपनी, तो IRCTC की स्थापना जो है 27 सितंबर 1999 को हुई थी और इसे 1 मई 2008 को भारत सरकार से मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ये रेलवे की खान पान सेवा के अलावा ई कैटरिंग, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, बजट होटल जैसे सेगमेंट, ई टिकटिंग वगैरह का काम करती है। और जो ये इसका जो कारोबार है भारतीय रेल पर ही निर्भर है और रेल मंत्रालय द्वारा किसी नीतिगत बदलाव का इसके मुनाफे पर असर होता है। क्या है कंपनी की मजबूती? तो ब्रोकरेज ने IRCTC के लिए पॉजिटिव आउटलुक बरकरार रखा है और इसका कारोबार आगे अच्छा होता दिख रहा है। IRCTC 4 तरह के बिजनेस मॉडल पर काम करती है। इंटरनेट टिकटिंग, तो इसके बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ट्रेवल एंड टूरिज्म, कैटरिंग एंड इंटरनेट टिकटिंग। इसके अलावा इसने अपने कारोबार को और भी किसी चीज़ों में बांट रखा, ई कैटरिंग, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, बजट होटल जैसे सेगमेंट शुरू किए हैं। ये भारतीय रेल की अधिकृत कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर है और प्रोक्रेस आनंद राठी के अनुसार IRCTC का यूनिक बिजनेस मॉडल और है और कंपनी को किसी भी सेगमेंट में कोई प्रतिस्पर्धा देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसका कोई कंपटीशन नहीं, ऑब्वियसली IRCTC में किसको कंपटीशन देंगे, सब इन्फॉर्मेशन मतलब सब कुछ जो है IRCTC मैनेज करता है। तो कंपनी का कारोबार काफ़ी मजबूत है, यानी यहाँ पर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर फ़ायदा होने ही वाला है। तो 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी की आय 24.66% बढ़कर 1956.7 करोड़ रुपये पहुँच गए और ये अपने गठन के समय से ही मुनाफे में रहने वाली है और कर्ज मुक्त कंपनी है। साल 2017 से ही इसके शेयरों पर रिटर्न यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 23% इससे फीसदी से भी ज़्यादा और इसकी कैटरिंग सर्विसेज का रेवेन्यू 14.1% है, बड़ा है। ट्रेवल एंड टूरिज्म में 10.1% बढ़ा हुआ है और इंटरनेट टिकटिंग के रेवेन्यू में 13% बढ़ोतरी है। तो ये टिकटिंग ही आने वाले टाइम में बढ़ने भी वाला है। तो ये सुविधाएं मतलब यहाँ पर कोई इसका कॉम्पिटिशन नहीं, तो ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए फायदे वाली बात है। क्या है जोखिम? तो इसके कारोबार पूरी तरह से भारतीय रेलवे पर निर्भर है और इसलिए रेल मंत्रालय की कोई भी मतलब कोई अगर कोई ऐसी नीति आ गई, ऐसे रूल्स रेगुलेशन या फिर कोई
इन्होंने कुछ मंत्रालय ने कुछ प्रतिकूल नीति आ गई इनके ऑपोजिट, तो आई तो इसके मुनाफे पर बड़ी चोट पड़ सकती है। अगर मान ली कि इन्होंने टिकट्स की वैल्यू कम कर दी है, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, तो पूरा भारतीय रेल पर निर्भर रही है। और इसके अलावा देश में फूड सप्लाई इंडस्ट्री काफ़ी असंगठित है, जिसकी वजह से लोकल सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत आने पर IRCTC का कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। कंपनी पैकेज वाटर और खान पान के लिए PET बोतल और अन्य प्लास्टिक आइटम का इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर नियामक शक्ति का असर हो सकता है। तो 2 अक्टूबर से जैसे कि बंद होने वाला है प्लास्टिक, तो इसका असर इस पर देखने को मिलेगा। तो अब जो है हमने इसके बारे में आपको बताया कि IPO क्या होता है, किसके मतलब कैसे इसको लॉन्च किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो कैसे कर सकते हैं इन्वेस्ट इसमें? IPO में निवेश के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इस अकाउंट में IPO में निवेश का ऑप्शन होता है। तो ऑब्वियसली एक बहुत सारी कंपनीज होती है जहाँ पर आप IPO जो भी लॉन्च हो रहा है क्या है ये सब अगर इन्फॉर्मेशन है, तो डीमेट अकाउंट के जरिए आप इनको मैनेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं शेयर्स इसके। लेकिन एक तरह से मतलब एक जनरल नॉलेज मैंने आपको बताई कि IPO क्या होता है और IRCTC को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ 12.6% हिस्सेदारी ही बेच रही है, 87.4% अभी भी गवर्नमेंट की है इसमें। और इसलिए भी है कि अभी इन्होंने इतना परसेंट अपना जो 12.6% ही हिस्सेदारी इसको बेची है, मतलब शेयर्स निकाले हैं, और आने वाले टाइम में ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को भी इसका सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है ओबियसली, तो ये इसका आगे मार्केट मतलब आगे अगर अच्छा रहता है। अभी सिर्फ 4 दिन के लिए इसको मार्केट में उतारा गया IPO को, मतलब शेयर्स अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद नहीं कितना प्रॉफिट होता है इसको ये सब देखकर ही बाद में जो डिसीजंस होते हैं। तो ये था IPO के बारे में IRCTC की, जो आपको पता भी चला होगा कि किस तरह से एक अलग कंपनी थी, फिर इसको एक कंपनी इसमें बनाया गया था। IRCTC ने इसको एक तरह IRCTC क्या रेल इंडियन रेलवे के अंडर में काम करती है ये। तो IRCTC एक कंपनी थी जिसको 1999 में शुरू किया गया था, और फिर सरकार के इतने सारे कामों को सिर्फ इसी कंपनी को दिया गया, और कोई कंपनी इसके कॉम्पिटिशन में भी नहीं है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के IRCTC का जो IPO लॉन्च हो रहा है उसके बारे में। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।